अरे फोन उठा लो, मालिक कहाँ चले गए? फोन उठा लो, हम बर्बाद हो गए। हेलो मालकिन, मालिक कहाँ है? तुम्हें पता है उनकी नजर कमजोर है। और ना तो जिसे सांप दिखता होगा वो तुमसे बरात कर लेगा। तुम मुझसे मत बोले, कर लो बात करो। हेलो मालिक, अपने घर में चोर घुस गए। क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं तुम्हारा भैया यार दिमाग खराब, आंखें हैं तो आंखों से ही देखूंगा। बेबी चोर क्या चोरी करने आए हैं? ना ये गर्मी ज्यादा, शिकंजी पीकर चले जाएंगे। यार तुमने इसके चक्कर में बारात करी, ये फ्री लेन की नहीं थी। अरे खामोश हो जा, अगर इसकी गारंटी हो तो इसे वापस कर दो, अभी टाइम है। बकवास मत कर, तू चोरों को रोक। अरे मैं इनकी टांगों में घुस जाऊं यार, क्या करूं? आमा बर्बाद हो गया, अब मैं आत्महत्या करूंगा। नहीं बेबी तुम मेरी तरफ देखो। हाँ इसकी तरफ देख लियो, जान आसानी से निकल जाएगी। तू पुलिस को फोन कर दे, वो चोरों को ले जाएगी। पुलिस क्यों ले जाएगी, ये बेचारे तो अपनी गाड़ी सवाए। तेरे टांगा फाड़ो। क्या पुलिस का क्या काम है इसमें, मेरे समझ में बात नहीं आ रही। आज मेरे पापा फिर से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ऐसी क्या खास बात है तुमने कि तीनों दामादों में से सबसे ज्यादा इज्जत तुम्हें ही मिलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमको पता है मैं शर्मा को अक्सर घर पे क्यों बुलाता हूँ? खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। अपने सारे कस्टमर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसको ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम शर्मा जी को बेकूफ बनाकर अपनी दुकान का सारा कबाड़ा सामान उनको अच्छे दामों पे बेच देते हो। लेकिन मैं तो पूछ रही थी कि पापा तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। यार एक बात तो है, चाइना के लोग बड़े शरीफ होते हैं। तुम चाइना कब गई? अरे कोई मुझे बता रहा था कि वो लोग ना तो दूसरी शादी करते हैं और ना ही दूसरी गर्लफ्रेंड पटाते हैं, तो हुई ना शराफत। बैगन ये शराफत नहीं, उनकी मजबूरी है। उनको पता है दूसरी भी उसी शक्ल की मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या, हेलो, हाँ जानू। अरे कुछ होता है भाई यार, ये एकदम ऐसे में बैठ के आनंद लेते हैं। अरे अब की हम उनके गर्मी बुझेबे ना कहले, जनता हुई ना मेसी में रहने की आदत पड़ गई। तो क्या गर्मी होता हा? तो क्या हम 20 चक्कर कहले हैं हमसे शादी के, हमारे घरे आ जा, यहाँ तुमको हर एक सुविधा मिलेगा, तुम कहाँ वहाँ नरक में फंसी हो यार। हमके ठंडी लगा था यार, चदरवा कहाँ बा, लगा था कौन इसे तेज कर दिया। बैठ के बतियाओ था वो। अरे सारे जब देखो तो हम उसे बैठ के बतियाओ था, भाव बनो ले बाणी, हम एसी में बैठल बाणी, तो तुके बीच में बोले जरूरी बा। कहाँ से लगी एसी, जब पंखा और बल्ब का बिल आयल बेसी और बिजली विभाग वाले तारवा काट के ले गए। ऐसा बतिया ये बतिया बताए, कहाँ से बिल्लवा भराई रे, कितना आयल बा? 2,20,000 ले जाए। अच्छा चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। शाम को बाबू थोड़ी जल्दी आ जाना। अरे मेरे बाबू को मेरी याद आती है, कितना प्यार करता है मेरा बाबू। याद साथ कुछ नहीं आती है, शाम के खाना बनाना, बर्तन झाड़ू करना है, टाइम से घर आ जाना। तुम्हारी कचकच 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 से हम परेशान हो चुके हैं, मन करे तो तुम्हारी कहूँ आवाज ना सुने। इतनी दिक्कत होते तो मैं हमारी आवाज से। हाँ है दिक्कत। ठीक है, आज के बाद आपको हमारी आवाज़ सुनने का मौका नहीं मिलेगा। काए जुबान कटवा लियो का? नहीं तो मैं बहरा कर देंगे। वो कैसे? वो ऐसे। बाबू एक बात बताओ, तुम हमसे कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। क्या कर सकती हो मेरे लिए? हम आपके लिए पानी में कूद भी सकते हैं, आग पे चल भी सकते हैं। Oh, no. आग में चल सकती हो? हाँ। एक काम कर दो मेरा। बोलो। छत पे कपड़े डाल आए थे, उठा ला। पागल हो, धूप देख रहे हो कितनी तेज है, करिया हो जाएंगे, खुद चले जाओ, उठा ला हो जाए, हम नहीं जा रहे हैं। तुम तो कह रही थी हमारे प्यार में सब कुछ कर सकती हो। भाड़ में गया प्यार।